अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपका सारा टेंशन जो रिड्यूस सिलेबस के बारे में है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको करना यह है कि 10 मिनट ध्यान से देखना है। इसमें सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से बताए गए हैं। तो 10 मिनट के लिए कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, तैयार हो जाइए, मैं आपको एक रोमांचक सफर पे ले जाने वाला हूँ। और उसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को पहले डाला था एनएमसी ने, एनएमसी की वेबसाइट से नीट वालों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब एनटीए वालों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है, तो आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि इसको इजीली आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। आज इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं कि क्या क्या है ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टाइम बिना वेस्ट किए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बढ़ेंगे आप इस पीडीएफ में तो आपको दिखेगा ऐसा कि सिलेबस फॉर नीट यूजी 2024, तो ये आप देखने के लिए मिलेगा। फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में आप ये पढ़ लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी मेजर चेंज नहीं हुआ है, तो मैं फिजिक्स को बताने भी वाला नहीं हूँ क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हालांकि ऐड किया गया है इसमें थोड़ा सा कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ के आना है प्रैक्टिकल चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल से क्वेश्चन भी आएंगे तो वो पढ़ के आना है। उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं कराया गया है। आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स हम लोग ये है पीडीएफ, आप पीडीएफ से फिजिक्स पढ़िएगा। आगे क्या केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या है। तो देखिए, इस पीडीएफ में वही सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपके नीट के एग्जाम में आने वाली हैं। जो कट गया है वो नहीं दिखेगा आपको, तो ऐसा नहीं है कि जो कटा है वो दिखेगा, जो कट गया है वो गायब है, जो है वो यहाँ है। क्या क्या है इसमें है, सबसे पहला अगर बात करते हैं केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का जब बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका है सबसे पहला चैप्टर है यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आप बोलेंगे टॉपिक वाइज बताइए, तो अगर मैं ये टॉपिक पढ़ने लगा ना, ये टॉपिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना पढ़ने पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। हालांकि ये मैं पूरा पढ़ सकता हूँ लेकिन आपको 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो देखना है तो सही है ना। उसके अलावा अब नीचे बढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, इसमें ये सारे टॉपिक्स अभी आपके सिलेबस में रहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, हाँ अभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो तीसरा है थर्मोडाइनेमिक्स वाला। अब थर्मोडाइनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आपके सिलेबस में है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स आपके सिलेबस में है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इसमें शायद ऊपर छूट गया होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इसमें नहीं दिखा रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। हालांकि पीडीएफ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा है ना, या नहीं भी दिख सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आपको सोल्यूशन पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और ये इक्विलिब्रियम में ये चैप्टर पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं, आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, उसके बाद से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो देखेंगे सबसे पहला जो चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, ब्लॉक केमिस्ट्री में आएंगे तो आपको पी ब्लॉक पढ़ना है, और पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से 18 तक आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें सिलेबस हालांकि पी ब्लॉक काटने जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें रह गया है। क्या क्या है ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड एंड द डाउन ग्रुप, मतलब कि वो जो पीरियड में पढ़ाते थे ना जनरल ट्रेंड्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाले, वो सब हमको पढ़ना है। यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप, और वो जो यूनिक बिहेवियर होता था, पहले जो एलिमेंट्स होते थे हर ग्रुप के, उनके थोड़े यूनिक बिहेवियर होते थे, जैसे कि लिथियम के, बेरिलियम के है ना, बैरियम के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, तो वो सब हमको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे, तो ये हमको पढ़ना है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड उसी में आता था तो ये सब पढ़ना है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सब हमको पढ़ना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको फिर से हमें पढ़ना है। तो ये हो गया केमिस्ट्री तक का फिजिकल और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक का बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें आपको पढ़ना है प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्या है प्यूरिफिकेशन एंड द करेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको पढ़ना है। और सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन मतलब हेलो अल्केन हैलोजेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन ये भी आपको पढ़ना है, मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर जो होता था ये पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब एमीन्स और बायोमोलिक्यूल भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब ये प्रैक्टिकल में जुड़ा है, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस आपको प्रैक्टिकल के तौर पे जोड़ा गया है और ये सब प्रैक्टिकल आपको करके जाने हैं क्योंकि ये आ सकता है आपके नीट के एग्ज़ाम। मुझे बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जोड़ा गया है ये मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऐड किया गया है ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, तुम बताओ यार वो बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में नहीं है, इंस्टीट्यूट में नहीं है, घर बैठ के सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं जैसे कि मेरे जैसे या आप में भी कुछ लोग होंगे, तो ऐसे बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? अगर आप ऐसे कीजिएगा कि आपको पढ़ के आना है तो बहुत मुश्किल है। अब क्या ही कर सकते हैं, बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई उपाय लगा के YouTube से कोई वीडियो देख लीजिएगा, काम खत्म। मैं भी वही करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा लिस्ट क्या क्या है प्रैक्टिकल में। ये सब प्रैक्टिकल का है, ये सब प्रैक्टिकल का है, आपको ये सब देखना है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा केमिस्ट्री यहाँ पे होता है ख़त्म, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब बच जाता है सिर्फ बायोलॉजी। अब हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जब देखेंगे आप तो बायोलॉजी में है सबसे पहला जो चैप्टर था हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये है। उसके बाद से दूसरा जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये भी है। तीसरा, अच्छा ये आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और इसमें एक चीज़ था इंसेक्ट में फ्रॉग लिख के रखा हुआ था, है ना, तो ये फ्रॉग आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि फ्रॉग हम लोग नहीं पढ़ रहे थे तो फ्रॉग आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको पढ़ना है। उसके बाद से प्लांट फिजियोलॉजी आपको फिर से पढ़ना है। और आगे बढ़ते जाते हैं, ये सब उसके टॉपिक्स जो आपको देखना चाहिए। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आगे बढ़ते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर काट दिया गया है जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेकिन उसमें क्या क्या है ये देखते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन भी है, एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन है। तो ये सब हैं। अब बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट डाल के लिखा हुआ है कि डिजीजेज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबव टू बी डील्ड इन ब्रीफ, और जो भी ऊपर आपको डिजीजेज दिख रहे हैं या डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा आप ब्रीफ में पढ़ के जाएंगे क्योंकि वो लोग पूछेंगे, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब है यूनिट 6 जो कि रिप्रोडक्शन है। इसमें आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और पढ़ना है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद से है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसमें आपको पढ़ना है हेरिडेटरी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ वगैरह पढ़ाता था। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 8 जो है उसमें है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड मतलब कि हेल्थ एंड डिजीज, यो वही बात है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इसमें ध्यान से देखिएगा, चिकुंगिया एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है तो ध्यान रहे कि आपको चिकुंगिया पढ़ के जाना है, ठीक है। और भी एक एक्स्ट्रा डिजीज ऐड किया गया था, इसमें ध्यान से पढ़िएगा तो आएगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन पढ़ना है, उसमें प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी वो भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये हमारा लास्ट है, इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद से इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड इट कंजर्वेशन भी आपको पढ़ना है। इस तरीके से हमारा PDF होता है ख़त्म, और यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं डिमांड पे बना रहा हूँ। बाय।